ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ी खबर है। पूर्व आबकारी सचिव को भेजा गया है जेल, अरुणापति त्रिपाठी को जेल भेजा गया है, अनवर ढीबर को भी जेल भेजा गया और 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यूपी एसटीएफ ने मेरठ कोर्ट में पेश किया था रिमांड के लिए। 1 जुलाई को सुनवाई भी होगी। और नकली होलोग्राम टेंडर मामले में नोएडा के विद्यु गुप्ता की कंपनी के साथ में फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है जिसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में निखिल जुड़ गए हैं। निखिल, 1 जुलाई को सुनवाई होनी है, रिमांड पर कई लोगों को भेजा गया है, बताइए पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है और प्रशासन की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है और उसको और इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं पूर्व आबकारी सचिव अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर, तो इन दोनों को यूपी एसटीएफ ने मेरठ कोर्ट में पेश किया था जिसके बाद इन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जो मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार भेज दिया गया है। दोनों को काफी तकलीफ हो रही है जिला कारागार में रहने से क्योंकि उस तरह की चीजों के ये लोग आदि नहीं है। और वहां पर अब इस मामले में यूपी एसटीएफ ने रिमांड की भी डिमांड की है और ये 1 जुलाई की तारीख फिक्स की गई है कोर्ट के द्वारा, जहां 1 जुलाई को इसमें रिमांड के लिए सुनवाई होगी। अगर रिमांड मिल जाता है तो माना जा रहा है कि इस घोटाले के कई और पर्दे खुलेंगे क्योंकि यूपीएससी सख्ती से पूछताछ करने के मूड में है। और जिस तरीके से इन लोगों के नाम सामने आए हैं तो नोएडा के जो कारोबारी विधु गुप्ता की जो कंपनी है उसे फर्जी तरीके से होलोग्राम बनाने का जो टेंडर दिया गया था उसी मामले में यहाँ पर अब पूछताछ की जानी है और इस मामले की और भी कई पर्दे खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोनों मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में हैं जहां पर अब ये लोग दिन गिन रहे हैं कि ताकि सुनवाई हो और किसी तरीके से जो यूपीएससी अब के शिकंजे में ये लोग ना फंस सके, लेकिन यूपीएससी अब भी सख्त है और इससे पूछताछ करने की तैयारी में जुटी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर मेरठ से है। मेरठ में बीच बाजार बाइक सवार युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कार और बाइक में मामूली भिड़ंत हो गई थी जिसके बाद में पड़ोसियों में वर्चस्व को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद में कार सवार ने बाइक सवार पर गोलियों की बौछार कर दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना लोहिया नगर क्षेत्र की ये वारदात है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फायरिंग के बाद में हथियारों से लैस आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने कई नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आज दिनांक 22 जून को रात्रि 9:30 बजे थाना लोहिया नगर को सूचना प्राप्त हुई कि स्थानीय थाना अंतर्गत जाकिर कॉलोनी में दो पड़ोसियों में गाड़ी में टक्कर को लेकर विवाद हो गया, जिसमें अनीस पुत्र यामीन को इमरान मलिक द्वारा गोली मार दी गई। अनीस को इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई है। इनके पोस्टमार्टम का वो प्रक्रिया कराई जा रही है और प्रकरण में गंगा धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। कानपुर में ट्राला और पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई और शंभुहा में ट्राला और पिकअप की आमने सामने टक्कर हुई थी जिसमें हादसे में पिकअप के ड्राइवर और क्लीनर की जिंदा जलकर मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर कंट्रोल किया गया। बिथनू थाना क्षेत्र के शंभुहा पुल की घटना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18।